नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। लूटी है एक बेटी की इज्जत तो लूटा सम्मान सबका है। लुटेरे अगर जिंदा है तो उसमें अपमान सबका है। बनो पहले इंसान तुम, छोड़कर बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से कि हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती जब उसके साथ कुछ गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू हो जाती है जब उसके पैदा होने पर उसे कह दिया जाता है कि एक लड़की पहले से ही थी, एक और हो गई। उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू हो जाती है जब उसे कहा जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। और लड़की के साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है तब उसे ये कहना, बेटे किसी से मत कहना, बदनामी होगी, नाइंसाफ़ी उसके साथ तब से शुरू हो जाती है। ट्यूशन से आते वक्त, बस से जाते वक्त उसे हर कुछ सुनना पड़ता है जो उसे भूल जाने को कहा जाता है। नाइंसाफ़ी उसके साथ तब शुरू हो जाती है। अरे, हर लड़की को सहना पड़ता है जब उसे ये कह दिया जाता है तो नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है। अरे, वो कहता है तो तुम नज़रें फेर लो, तुम वहाँ से जाती ही क्यों हो, गलती तुम्हारी ही है, तुमने ही कुछ किया होगा। जब जब उसे ये बोला जाता है तब तब उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। और जब उसके साथ जो निर्भय के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ, हाथरस वाली लड़की के साथ हुआ, और दिल्ली की राबिया के साथ, और अब मुंबई की प्रियंका के साथ हुआ, ये होता है तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे गिर चुका है। यहाँ पता इन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ती है, क्योंकि इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया जाता है लेकिन सजा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनकी कानों में उनकी बेटी की, उनकी बहन की दर्द भरी आवाज़ होती है, उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक हमारे सामने यही रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की, हम और आप जैसे सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करेंगे और अगले ही दिन इन घटनाओं को भूलकर आगे निकल जाते हैं। कब तक ये रूटीन चलता रहेगा? जब ये दरिंदे ये देखते हैं ना कि अदालत में ये केस सालों साल चलते हैं, तब जाकर इन दरिंदों की हिम्मत बढ़ती है। ये जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति के आड़ में वो लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं, या कई बार कुछ करप्ट पुलिस वाले ही चंद पैसों के लिए केस दर्ज नहीं करते, वहीं से इन दरिंदों की ताकत और बढ़ जाती है। मुंबई की प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही और इसकी ऐसी विदाई किसी से सही नहीं गई। मुंबई की प्रियंका के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाई गई जिससे उसके आंते यानी इंटेस्टाइन बाहर निकल गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है, ये इंसान नहीं बल्कि हैवान होगा। और अब प्रियंका इस दुनिया में नहीं रही, प्रियंका ने भले ही ज़िंदगी छोड़ दी, इसके साथ ही छूट गई उन लाखों लड़कियों की उम्मीद भी जो सोचती थी कि अगर उनके साथ भगवान न करे कि ऐसा होता है तो उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा। और हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन यहाँ इस घटना में सबसे कमज़ोर कड़ी ये है कि पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी, इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया। सिर्फ धुंधला सा सीसीटीवी रह गया है जिसमें वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर दोषियों की सज़ा दिला पाएगी? मुंबई के साकिनाका परिसर में महिला के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया था, ये राक्षसी प्रवृत्ति का परिणाम है, ये क्रूरतापूर्ण घटना है और दोषी को ना सिर्फ सजा बल्कि फांसी होनी चाहिए। अब चाहे वो दिल्ली के राबिया हो या फिर मुंबई के प्रियंका। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर हमें सतर्क बनाना है और भारत को जागृत करना है तो हमें ये कदम ज़रूर उठाना होगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।